इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है शाजापुर के अकोदिया थाना अंतर्गत ग्राम पेवची में। पेवची में नहाते समय हुआ बड़ा हादसा। गांव के समीप बने नाले में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और अकोदिया पुलिस ने 3 बच्चे के शव को पोस्टमार्टम करा के परिजनों को सौंप दिया है। इसी से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता पंकज राठौर के पास। पंकज जी बताएं क्या है पूरा मामला। मुझे था कि बताना चाहूंगा कि शाजापुर जिले के अकोदिया थाना के अंतर्गत ग्राम पेवची में नहाते समय हुआ बड़ा हादसा। गांव के समीप बने नाले में डूबने से 3 बच्चे की मौत हो गई है। जानकारी लगते ही अकोदिया थाना प्रभारी अवधेश कुमार सेसा की टीम हुआ ग्रामीण की मदद से 3 बच्चों को बाहर निकाल लिया गया है और 3 को तुरंत अकोदिया सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहाँ डॉक्टरों ने उनको 3 को मृत घोषित कर दिया है और 3 का पीएम के बाद सौ को परिजनों को सौंप दिया गया है। अवधेश कुमार सेसा ने बताया कि मामले की जांच में जुटी है पुलिस, मार्गे काम कर लिया गया है। जी पंकज जी, क्या आप 3 बच्चे एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं? भूमिका जी बताना चाहूंगा कि ये 3 पेवची के गांव में अपने बहाने गए कि इंदौर के निवासी बताए जा रहे हैं और 3 अपने छुट्टी बनाने के अपने मामा का यहाँ थे, जहाँ गांव के समीप बने नाले में ये 3 बच्चे नहाने गए थे। उस समय बड़ा हादसा हुआ है, गांव में पूरी तरह से मातम छाया हुआ है और परिजन का भी रो रो को बुरा हाल है। जी भूमिका जी, पंकज जी क्या 3 बच्चे जब नहा रहे थे तो कोई परिजन वहाँ पर मौजूद नहीं था? भूमिका जी बताना चाहूंगा उस समय 3 बच्चे ही सुबह के टाइम में नहा रहे थे, वहाँ पर आसपास भी कोई ग्रामीण और नदी में नाले में कोई भी नहीं नहा रहे थे, तो जो 3 बच्चे ही उस समय मौजूद थे और वहाँ से कोई निकलता हुआ 3 बच्चों को देखा गया था। उस समय ग्रामीणों का हल्ला बोल हुआ और ग्रामीण पूरा आसपास के गाँव के इकट्ठे हुआ, 3 बच्चों को निकाला गया जब तक उनकी मौत हो चुकी थी। भूमिका जी, पंकज जी क्या बच्चों के शव को परिजनों को अब सौंप दिया गया है? भूमिका जी बताना चाहूंगा कि अकोदिया थाना प्रभारी अवधेश कुमार जैसे ने बताया कि 3 बच्चे का पीएम कराया गया है और पीएम के बाद में 3 बच्चों को परिजन को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मार्ग काम कर और मामले की जांच में जुट गई है। भूमिका जी, पंकज जी जो ये हादसा हुआ है इसमें किसकी लापरवाही सामने आ रही है? भूमिका जी, ये थाना प्रभारी से बातचीत हुई है लेकिन इसमें अभी जांच की जा रही है, जांच के बाद ही कुछ पुलिस कहना चाहेगी। बताया जा रहा है नाले में डूबने से मौत हुई है, तो किसकी लापरवाही सामने आ रही है यहाँ पे, परिजनों की या शासन प्रशासन की? भूमिका जी बताना चाहूंगा खबर मध्य प्रदेश के माध्यम से कि गांव के आसपास कई ऐसे छोटे मोटे कुआ, ट्यूबवेल, ऐसे छोटे बोर, जो कुआ कुंडी भी खा, ऐसी जगह पर गाँव के आसपास खुले पड़े हुए और जिला कलेक्टर के द्वारा, जिला जेल के द्वारा यह आदेश दिए गए थे कि गांव के आसपास कोई भी खुला ट्यूबवेल, कुआ या कोई से भी खुला नहीं रहे, उसको तुरंत ग्राम पंचायत को सूचना दी गई थी, इनको बोर बंद किए जाए या जो खनन है या गड्ढे है उनको बंद करने के लिए। लेकिन प्रशासन कई बार अपना दावा करती है लेकिन दावा एक दिखावते दिखाई देता है, क्योंकि एक बड़ा हादसा होने के बाद ही वो सतर्क होता है और कहता है कि इस ओर ध्यान देकर इस पर बड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो अभी भी धरातल पर नहीं उतरती है। भूमिका जी जी, तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद।